नमस्कार दोस्तों, फोन एक्सेल टाइम चैनल में आपका स्वागत है। इट्स टाइम टू सी फोन एक्सेल टाइम। लीवरेज रेशियो देख रहे हैं अभी हम, और ये वीडियो नंबर 9 है रेशियो एनालिसिस सीरीज़ में। ठीक है, तो आज हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे। तो सबसे पहले ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, और हमारी कंपनी में डेब्ट कितना है और इक्विटी कैपिटल कितना है, इसका हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, तो हाई हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मीन्स आपके कंपनी में ज़्यादा डेब्ट है, और लो रेशियो मतलब आपकी कंपनी में कम कर्जा है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ज़्यादा रेशियो और कम रेशियो, हाई डेब्ट या लो डेब्ट, ये इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कंट्री के। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हाई डेब्ट हो तो कंपनी बुरी है, या फिर लो डेब्ट है तो अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो फाइनेंस मैनेजर को इकोनॉमिक सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे कैलकुलेशंस। महिंद्रा और महिंद्रा का हम एनालिसिस कर रहे हैं, और यहाँ पर उसका मैंने 3 साल का डेटा लिया है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी ली है। ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आप देख सकते हो मार्च 2019 से मार्च 2017 तक, और यहाँ पर उसकी बैलेंस शीट भी है। ठीक है, ये महिंद्रा और महिंद्रा की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे जो भी पैरामीटर्स है उसको पहले हाईलाइट करके रखा है मैंने, अभी हम सीधा कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो जाइए डिजायर्ड सेल में जहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने हैं, और उसको सबसे पहले इज इक्वल टू लिख के आपका टोटल डेप दीजिए। ठीक है, टोटल डेप, और उसको डिवाइड कर दीजिए आपके टोटल इक्विटी कैपिटल से। ठीक है, तो यहाँ पर उसको नेटवर्थ लिखा है, तो हम वो लेंगे और सिंपली ओके प्रेस कर दीजिए। तो ये आ गया 0.07। तो ये परसेंटेज में नहीं लेते हम, इसको हमेशा नंबर में लेते हैं, और इसको टाइम्स बोलते हैं कि हमारी डेप हमारे इक्विटी के 0.07 टाइम है। ठीक है, तो ये आ गए 3 साल के, ये 2019 का, ये 2018 का, और ये 2017 का। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा हमने कि हम डेप टू इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।